आखिर एसी का रंग क्यों होता है सफेद? क्या आप जानते हैं कि प्लेन में परफ्यूम और डिओड्रेंट ले जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन क्यों? इन फलों में पाया जाता है अल्कोहल, जिन्हें खाने से हो सकता है नशा। और क्या होगा अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल भर दिया जाए? नतीजा जानकर हैरान रह जाएंगे आप। अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग पर पड़ता है बुरा असर। रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर वन, आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए फल खाना जरूरी होता है, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलों की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनका अधिक सेवन करने से इंसान को नशा हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इस तरह के फलों में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें खाने से नशे का एहसास हो सकता है। इन फलों में सेब का नाम सबसे ऊपर है, जिसे अच्छी सेहत का राजा माना जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सेब में अल्कोहल पाया जाता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में सोर्बिटोल शुगर के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सेब का सेवन कर लेता है तो इस शुगर की वजह से उसे नशे का एहसास हो सकता है। वहीं अगर सेब को सीमित मात्रा में खाया जाए तो सोर्बिटोल बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसी तरह अनानास में भी शुगर अल्कोहल पाया जाता है, जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। एक अनानास में कम से कम 9 ग्राम अल्कोहल शुगर पाया जाता है, जिसका सेवन करने से आपको हल्के नशे का एहसास हो सकता है। यही वजह है कि शुगर के मरीजों को अनानास खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद अल्कोहल शुगर बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और इससे मरीज की हालत खराब हो सकती है। हालांकि फलों में पाई जाने वाली अल्कोहल शुगर शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ की तरह नशे का एहसास नहीं करवाती है, लेकिन इनका अत्यधिक सेवन करने पर आपको कुछ देर के लिए अलग से एक्सपीरियंस महसूस होगा। नंबर टू, भारत समेत घनी आबादी वाले देशों में आम नागरिक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि कुछ देशों में ऐसे ऐसे जॉब ऑफर दिए जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आम आदमी का दिमाग चकरा जाता है। दरअसल अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ऊंचे ऊंचे सिग्नल टावर मौजूद होते हैं, जिनके टॉप पर एक लाइट जलती रहती है। यह लाइट लगातार जलते रहने की वजह से 6 महीने में फ्यूज हो जाती है या फिर उसकी रोशनी धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से टावर पर लगे बल्ब को हर 6 महीने बाद बदलना पड़ता है। ऐसे में टावर पर लगे बल्ब को बदलने के लिए लैंटर्न चेंजर के पद पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए लैंटर्न चेंजर को 1 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति इस नौकरी को नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिस टावर पर बल्ब चेंज करना है उसकी लंबाई लगभग 600 मीटर के आसपास होती है। इस टावर का सबसे ऊपरी हिस्सा बेहद पतला और लचीला होता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक रस्सी की मदद ली जाती है। ऐसे में अगर रस्सी गलती से भी टूट गई तो बल्ब बदलने के लिए टावर पर चढ़ा व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। इस वजह से कोई भी इंसान इस खतरनाक जॉब को करने से परहेज करता है। हालांकि यह काम साल में सिर्फ 2 बार करना पड़ता है, जिसके बदले लैंटर्न चेंजर को 1 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाती है। लेकिन शायद ही कोई इंसान अपनी जान खतरे में डालकर इस नौकरी को करना पसंद करेगा। हालांकि दुनिया भर में ऐसे टावर्स पर लाइट और बल्ब को बदलने के लिए लैंटर्न चेंजर अपनी जान खतरे में डालकर काम करते हैं। नंबर थ्री, गर्मी के सीजन में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, जो कमरे को ठंडा करता है और बिजली की खपत भी अधिक करता है। बाजार में विंडो और स्प्लिट दोनों तरह के एसी मौजूद होते हैं, जिनका रंग अमूमन सफेद होता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि एसी के बाहरी कवर को व्हाइट कलर का ही क्यों बनाया जाता है, जबकि कलर के अन्य ऑप्शन भी मौजूद हैं? दरअसल सफेद रंग सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से एसी बाहर और अंदर से ठंडा रहता है। इससे एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है और बेहतर ढंग से काम करता है, जिससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। वहीं अगर एसी का रंग डार्क होगा तो वह सूर्य की रोशनी ज्यादा अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से एसी अंदर और बाहर से गर्म हो जाएगा और उसके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। यही वजह है कि ज्यादातर विंडो एसी को छाया वाली जगहों पर लगाया जाता है, ताकि वह कम से कम सूर्य की रोशनी के संपर्क में आए। हालांकि स्प्लिट एसी के रंग में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका एक पार्ट हमेशा कमरे के अंदर मौजूद होता है, लेकिन स्प्लिट का जो पार्ट बाहर लगा होता है उसका रंग सफेद ही होता है, ताकि वह सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। वहीं एसी की सभी यूनिट्स और पार्ट्स को सफेद रंग में बनाने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आता है, जिसकी वजह से कंपनी कम बजट में अच्छा एसी तैयार कर सकती है और इससे ग्राहक की जेब पर भी कम लोड पड़ता है। हालांकि बीते कुछ सालों में स्प्लिट एसी में कुछ कलर ऑप्शन मिलने लगे हैं, जिनकी कीमत सफेद रंग के स्प्लिट एसी से ज्यादा होती है और उन्हें घर को सुंदर बनाने के मकसद से बनाया जाता है। नंबर फोर, दुनिया भर में कई एयरलाइंस कंपनियां हैं जो नागरिकों को हवाई यात्रा मुहैया करवाती हैं। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके तहत यात्रियों के लिए भी विभिन्न कानून बनाए गए हैं। ऐसा ही एक नियम ये है
कि यात्री फ्लाइट में अपने साथ परफ्यूम या डिओड्रेंट नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ें काफ़ी ज्वलनशील होती हैं और आसानी से आग पकड़ सकती हैं। ऐसे में अगर फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त परफ्यूम या इत्र जैसी चीज़ों में आग लग जाए तो उसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा और इससे अन्य यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं, कई लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है जिसकी गंध के संपर्क में आने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जबकि ऐसी चीजें त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा परफ्यूम या इत्र की बोतल में कोई खतरनाक केमिकल भी ले जाया जा सकता है जिससे आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी होने का खतरा रहता है और यात्रियों की सुरक्षा भी मुश्किल में आ सकती है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हवाई जहाज में यात्रियों को परफ्यूम या इत्र जैसी खुशबूदार सामग्री को ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, और अगर आपके सामान में इस तरह की चीज बरामद होती है तो उसे एयरपोर्ट पर ही बाहर निकलवा दिया जाता है। नंबर 5, भारत समेत दुनिया भर में दो तरह की फ्यूल गाड़ियां उपलब्ध हैं जिनमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है। ऐसे में इन गाड़ियों के इंजन अलग अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं जिनके काम करने की क्षमता अलग होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए या फिर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल भर दिया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? आसान शब्दों में बताएं तो इस तरह की गलती करने से आपकी गाड़ी खराब हो सकती है जबकि इंजन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दरअसल पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालने की स्थिति में कार को स्टार्ट होने के लिए स्पार्क नहीं मिलेगा जिसकी वजह से इंजन पर लोड बढ़ने लगेगा और उसकी वजह से इंजन खराब हो सकता है या फिर उसमें आग लग सकती है। ठीक इसी प्रकार अगर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया जाएगा तो यह दोनों फ्यूल आपस में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जब कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसकी वजह से इंजन के विभिन्न पार्ट्स में लोड पड़ेगा और कार चलते चलते रुक जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कार में गलत फ्यूल डाल दिया जाता है तो इससे इंजन के साथ साथ अन्य प्रकार के पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं, जबकि वायरिंग संबंधी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि कार में सही फ्यूल डाला जाए, वरना आपकी लाखों की कार पल भर में खराब हो सकती है और इसका असर उसकी माइलेज व परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। नंबर 6, अंतरिक्ष की दुनिया बहुत ही रोमांचक और अद्भुत लगती है, जहाँ जाने का सपना ज्यादातर साइंस प्रेमी देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह से खराब हो जाती है? दरअसल अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग पर नासा के वैज्ञानिक लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे जो अब पूरी हो चुकी है, और उन्होंने इस रिसर्च से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्यों को दुनिया के सामने रखा है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में 6 महीने से ज्यादा समय तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के सिर्फ शरीर में ही बदलाव नहीं आता है बल्कि इसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ता है। स्पेस शटल में अधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग के अंदरूनी भाग में फैलाव नोटिस किया गया है जिसे वैज्ञानिक भाषा में सेरिब्रल वेंट्रिकल्स कहा जाता है। इन वेंट्रिकल्स के बीच एक खास प्रकार का द्रव्य मौजूद होता है जो दिमाग से रीढ़ की हड्डी के बीच आता जाता रहता है और इसकी वजह से दिमाग को एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक स्पेस में रहता है तो उन सेरिब्रल वेंट्रिकल्स के बीच फैलाव आ जाता है जिसकी वजह से उस द्रव्य की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में दिमाग का सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है और अगर उस स्थिति में अंतरिक्ष यात्री के सिर पर भारी चीज से हमला किया जाए तो उसे गंभीर चोट आ सकती है और उसकी मौत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग को वापस सही अवस्था में आने में लगभग 3 साल का लंबा वक्त लग जाता है जिसकी वजह से उन्हें अवसाद और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह बदलाव सिर्फ स्पेस में ज्यादा समय तक रहने वाले लोगों के दिमाग में ही नहीं आता है बल्कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसके वेंट्रिकल्स वाले हिस्से में फैलाव आने लगता है। नंबर 7, दुनिया के ज्यादातर देशों में आंधी तूफान और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से समुद्र या नदी किनारे रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां कभी भी तूफान नहीं आते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके स्विट्जरलैंड की सरजमीन तक पहुंच पाना किसी भी तूफान के लिए आसान बात नहीं है जिसकी वजह से यहां के लोगों ने आज तक तूफान या तेज आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं किया है। इसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात में भी तूफान नहीं आता है क्योंकि इस देश की भौगोलिक स्थिति अलग है। हालांकि यहाँ तेज हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से अक्सर रेत दूर दूर तक उड़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस देश का आकार भी बहुत छोटा है जिसकी वजह से यह तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।